अपना पहले भी अक्सर बीमार रहते थे, तो अचानक से उनको पता नहीं रास्ते में किसी ने हमें फ़ोन किया कि ऐसे आपके हस्बैंड का ना खून की उल्टी आई है, तो रक्षा से उनका ना बैग लग गया किसी के साथ, वो करवा लूँगी। क्या मसला है बच्ची के साथ? बच्ची को कान पेड़ों का वो पहले हिसाब लगा था कि कान पेड़े, लेकिन वो कान पेड़े नहीं थे, वो इधर उसके ना वो जहर बाद वो कहते हैं ना वो बन गया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबीन अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुबीन के वास्तु। जी नाज़रीन, आज मैं कैसी बहना के पास मौजूद हैं। इनकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि इन्होंने अपनी बेटी का इलाज करवाना था, लेकिन हुआ कुछ इनके साथ ऐसे कि इनके शोहर जो है वो चिंग चिंग चलाते थे, तो चिंग चिंग चलाते चलाते एक दिन उनके साथ ऐसा हुआ, वो चिंग चिंग चला रहे थे, उन्हें खून की उल्टी आई और वहाँ हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो अब इन्होंने अपनी बेटी का इलाज करवाना है, कोई सहारा बाकी नहीं है, पूछते हैं बेटे कितने हैं और अब कैसे गुजारा हो रहा है, बाकी सारी स्टोरी जानते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम अस्सलाम। आपकी जो सारी स्टोरी है जो आपके बहन भाई देख रहे हैं आपको सामने कैमरे में, इनकी तरफ देख के एक दफ़ा इन्हें सारी स्टोरी तफसील से बता दें। मैं भाई किराए पर रहती हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी बहुत बीमार थी, मैं उसका इलाज करवाती रही हूँ, अभी भी वो बहुत बीमार है। मेरा किराया इनको टाइम पे नहीं दे पाई, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है और मेरा सारा सामान उन्होंने कब्ज़े में कर लिया है। अब बीमार बच्ची लेके मैं दर बदर के धक्के खा रही हूँ, मेरे शोहर भी मेरे सर पर नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं इन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट कर दें, हेल्प कर दें, ताकि मैं अपनी बच्ची का इलाज भी करवा पाऊँ और मैं अपने घर में जाके वापस अपना सामान तो भी है मेरा वो मैं ले लूं और किराए पे अपने घर पे रहूं। अच्छा मुझे बता दें कि शोहर की वफ़ात कैसे हुई है? मेरे हस्बैंड ना चिंची रक्षा चलाते थे, वो भी रेंट का था। अच्छा। तो वो ना पहले भी अक्सर बीमार रहते थे, तो अचानक से उनको पता नहीं रास्ते में किसी ने हमें फ़ोन किया कि ऐसे आपके हस्बैंड का ना खून की उल्टी आई है, तो रक्षा से उनका ना बैग लग गया किसी के साथ, तो वो मैं गई हूँ उधर, तो उन्होंने कहा था इनको ना एक्सीडेंट से नहीं इनकी डेथ हुई, इनको ना हार्ट अटैक हुआ है, इनको उल्टी आई है, तो इसलिए उनकी ना इस तरीके से डेथ हो गई है। और मुझे 2 साल हो गए मैं अपने बच्चों को खुद ही पाल रही हूँ। 2 साल पहले डेथ हुई है? हाँ जी। तो जो सबसे छोटी बेटी है वो कितने साल की है? वो मेरी बेटी 3.5 साल की है। 3.5 साल? हाँ जी। तो शोहर उसके लिए भी मुशक्कत कर रहे थे पहले आपके साथ? बस थोड़ा बहुत जो भी होता था हमारा गुजारा चल जाता था, रोटी पानी का सिलसिला चलो वो कर लेते थे, कुछ मैं भी काम लोगों के घरों में करती थी। अब बिल्कुल सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अब मेरे बच्चे पहले पढ़ते थे, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी छूट गए उनका स्कूल, क्योंकि रोटी नहीं हमारी पूरी हो रही 2 वक्त की, और दवाइयाँ भी कहाँ से मैं पूरी करूँ, और इनकी पढ़ाई का अखराजात, किराया, बिल, सारे अखराजात नहीं मैं अकेले पूरी कर पा रही हूँ। और मैं इसी मजबूरी की वजह से आप लोगों से मैंने कहा कि मेरी थोड़ी सी इमदाद करवा दें लोगों से, ताकि मैं। अच्छा मुझे बताती चलें कि 5 बच्चे हैं आपके, 2 साल से कैसे गुजारा कर रही हैं? बस अल्लाह मालिक है, हमने कभी फाके भी देख लेते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी बचा कुचा कहीं से मिल जाए, कहीं हमसाए से ले आते हैं, कभी जहाँ काम करती हैं वो दे दे तो ठीक है। इसी तरह बस थोड़ी सी ये बच्ची की वजह से थोड़ा हमारा बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो गया, बीमार बहुत हो गई थी, और अभी तक मैं इसका जो है ना मुसलसल इलाज करवा रही हूँ, क्योंकि इसके जो है ना चेहरे में इधर साइड पे गतूत बन गई थी एक जहरीली की, तो वो कहते हैं इसका ना मेडिसन जो है ना उसके ज़रिए भी इलाज है, नहीं तो ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं अपनी बच्ची का मैंने मेडिसन से भी इलाज करवाने, मैंने कहा चेहरे में वो निशान ना बन जाए, तो मैं उसका मेडिसन के ही ज़रिए इलाज करवा रही हूँ। लेकिन कितना खर्चा आ जाता है महीने का मेडिसन? महीने का तो अब अंदाज़ा नहीं है कितना आ जाता है, रोज़ाना की उसकी 1500 की दवाइयाँ आ रही हैं। 1500 रोज़ाना? हाँ जी, वो इंजेक्शन लगता है उसको। तो आप मैनेज कर लेती हैं 1500 रोज़ का? नहीं, मेरे सर पे कर्जा बहुत भाई चढ़ गया हुआ है, मैं कर्जा बहुत उठा चुकी हूँ, कभी किसी के आगे हाथ जोड़ के मिनतरला करके ले लेती हूँ पैसे, कभी किसी के आगे, तो अब तो घर भी नहीं रहा, वो भी सारा कब्जे में हो गया, सामान वगैरह उन्होंने निकाल दिया, कहते किराया दबो नहीं तो निकलो। किराए का घर? हाँ जी किराए का। कितना किराया दे रही? 12,000। 12,000? हाँ जी। 12,000 दे देती हैं आराम से? नहीं मतलब नहीं। कमा लेती हैं इतना? हाँ जी थोड़ा सा कमा लेती थी, किराया दे देती थी टाइम पे, बाकी रोटी का अल्लाह मालिक था हमारा, जब कभी मिल गया खा लिया, नहीं तो ना सही फाके वगैरह का देख लेने, कभी बस गुजारे मजारे चल रही थी जिंदगी। अच्छा। हाँ जी अब बहुत मजबूर हैं। तो अब किराया दिया हुआ है इस महीने का? नहीं भाई 2-3 माह हो गए किराया नहीं मैं दे पाई हूँ।
नहीं, ये तीसरा माह चढ़ गया हुआ है, तभी तो उन्होंने मुझे निकाल दिया बच्चों को भी, और सामान नहीं दिया, वो कहते किराया पूरा कर लें आ जाए वापस। नाजरीन सुना आपने, इनकी ज़ुबानी के पांच बच्चे हैं, जो सबसे छोटी वाली बेटी है उसके साथ कुछ मसला है, वो बीमार रहती है, जिसके इलाज के लिए इन्होंने और इनके शोहर ने मशक्क़त की, लेकिन इनके शोहर की वफ़ात हो गई, तो अब इनके साथ कोई सहारा बाकी नहीं है। बेटे जो हैं वो भी छोटे हैं, बल्कि सारे बच्चे इनके छोटे हैं, सारा जो बोझ है इनके कंधों पे आ गया है। अच्छा मुझे अब ये बताती चलें कि जो बहन भाई देख रहे हैं, इनके सामने क्या अपील करना चाहेंगी कि किस हद तक ये आपकी मदद करें? मुझे ज़्यादा नहीं कुछ चाहिए इनसे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी हेल्प अगर बहन भाई कर देते हैं तो चले मैं अपना कर्ज़ा वगैरह उतार लूँ, और मैं अपना घर जो किराए का था वहाँ पर, अगर नहीं तो कहीं और ले लूँगी, और अपना सामान जो उन्होंने जब्त किया वो ले लूँगी, और बच्ची का थोड़ा सा जो इलाज बाकी रह गया वो करवा लूँगी। क्या मसला है बच्ची के साथ? बच्ची को कान पेड़ों का, वो पहले हिसाब लगा था कि कान पेड़े, लेकिन वो कान पेड़े नहीं थे, वो इधर उसके ना वो जहर बाद वो कहते हैं ना वो बन गया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, उसका वही इंजेक्ट लगा हो रहा है इलाज। तो अगर ये देखना चाहते हैं या बहन भाई तस्दीक भी करना चाहते हैं तो मैं इनको, मुझे देख सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं मेरी बच्ची की, बच्चों के, हमारे इलाज के बारे में जान सकते हैं। नाजरीन अब सारी स्टोरी आपने इनकी ज़ुबानी जानी, अब आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है। ये कहती हैं कि अगर कोई तस्दीक के साथ देखना चाहता है तो वो भी ये दिखा देंगी, आप इन्हें कॉल करके देख सकते हैं, उसके बाद तसल्ली के साथ इनकी मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, या अगर आप हमारी एनजीओ में मुस्तहिक हकदार लोगों के लिए डोनेशन करना चाहते हैं, तो नीचे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और आप मुझे बताते चलें कि जाते जाते हम आपको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करें अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि अल्लाह का भी हुक्म है, कोई अगर गरीब बहन भाई मजबूर बेबस आता है तो उसको थोड़ा सा अपने ख़जाने से खरात ज़कात देने से कमी नहीं होती। बस मेरे बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे कि हमारे लिए कोई आसरा या सहारा बना है, और मेरे बच्चों को बस थोड़ा सा जो है मुस्तकबल इनका बना दे, मुझे और इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के लिए थोड़ी बहुत जितनी भी इमदाद कर। इसके अलावा कोई ख्वाहिश है आपकी? इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, बस बच्चे मेरे थोड़े से रोटी पानी का सिलसिला चल जाए, और हम छत पर रह लें, और मेरे बच्चों का निज़ाम ज़िंदगी जो भी स्कूल का भी है वो हाँ चलता है, ताकि बेटे बड़े हो के आपका सहारा बने। सहारा, हाँ जी, मेरे सहारा बन सके। मैं क्योंकि इनको पढ़ा रही थी, अब नहीं मैं पढ़ा पा रही हूँ, और माशाल्लाह मेरे बच्चे पढ़ते भी थे, अच्छे पढ़ते थे, और मेरी कोशिश है कि जो मैंने गुर्बत देखी है वो ये ना देखें और ये अपने पाँव पे खड़े हो। नाजरीन इसी के साथ मुझे और बहनों को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि इनकी मदद होगी। आप सब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।